बॉलीवुड में हमेशा से ही पॉलिटिकल फिल्म बनाने का एक ट्रेडिशन रहा है। हमने कई ऐसे फिल्में देखी है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ऑडियंस को समझाना काफ़ी आसान रहा। देयर आर सेवरल बॉलीवुड मूवीज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स दैट हैड लेफ्ट ए रिमार्केबल मार्क इन द इंडस्ट्री, जिसमें से राजनीति, हैदर और रंग दे बसंती जैसे फिल्मों ने पॉलिटिकल सिस्टम पर डीप इम्पैक्ट डाला है। जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे 15 ऐसे पॉलिटिकल फिल्म के बारे में जो एक पॉलिटिकल ड्रामा को दिखाएगी। वीडियो इज गोइंग टू इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से। नंबर 15, नायक। नायक उन फिल्म में से एक है जिनके टॉपिक काफी ज्यादा सेंसेटिव एंड आई ओपनर की तरह थी। शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट यू कम अक्रॉस ए फिल्म व्हिच इज ब्रेवली टर्म्स ऑफ कंटेंट। यह फिल्म एक जर्नलिस्ट पर बेस्ड है, इसके एक अपॉर्चुनिटी से पूरा स्टेट बदल जाता है। द स्टोरी डजंट गिव यू इवन अ चांस टू ब्लिंक। सारे देश की जनता देख रही है, चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है। और यह फिल्म क्रिटिक्स को भी खूब पसंद आई। नंबर 14, मद्रास कैफे। मद्रास कैफे एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम अपने कल्ट एक्टिंग से ऑडियंस को इम्प्रेस किया। द फिल्म इज सेट इन द लेट 1980s एंड अर्ली 90s ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन एंड श्रीलंकन सिविल वार। सुरजीत सरकार ने हमें एक बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म दिया है जिसे बनाने में काफी समय लगा। नंबर 13, आर्टिकल 15। 2009 में आई आयुष्मान खुराना की यह फिल्म इंडिया के क्रूसेड अगेंस्ट वायलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती है। यह फिल्म डीप इंपैक्ट कास्ट सिस्टम को करती है जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर की डायलमा सिचुएशन दिखाती है। ये फिल्म टेल्स द ट्रूथ ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति। हीरो नहीं चाहिए यार, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म देखने वाले को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नंबर 12, खिस्सा कुर्सी का। यह फिल्म पॉलिटिकल सटायर फिल्म है जिसका प्लॉट हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इरा को दिखाती है। द स्टोरी ऑफ एन इविल पॉलिटिशियन जो रिलीज के कुछ दिन बाद ही इसे बैन कर दिया गया ड्यू टू कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट। तुम्हें गद्दी से हटा देगी, हमारी जनता हमको कुर्सी से हटा देगी। नंबर 11, अनेक। अनेक एक आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिल्म है जिसे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यह फिल्म हमें बहुत कुछ सिखा जाती है बिना किसी डिस्टरबेंस के। फिल्म कई लेयर्ड में है जिसे अनुभव सिन्हा स्मार्टली ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल फ्रेम में रखे हैं। आपको यह फिल्म कैसी लगी, लेट्स डू कमेंट बिलो। पार्लर वाली है या ये पार्लर है? नंबर 10, हुतुतु। साल 1999 में रिलीज हुई हुतुतु पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था लेजेंड डायरेक्टर गुलजार साहब ने। जिसका नैरेटिव अनयूजुअल था, जहां हम देखते हैं एक सीएम की बेटी को पॉलिटिकल रीजन से किडनैप कर लिया जाता है। फिल्म में एक्टर नाना पाटेकर, तब्बू और सुनील शेट्टी की एक्टिंग काबिले तारीफ है। इस फिल्म के गाने भी काफी अच्छे हैं। सिगरेट में नशा है, नशे में पावर है, पावर में करप्शन। नंबर 9, युवा। 2004 में आई फिल्म युवा कलकत्ता में रहने वाले तीन युवा की कहानी है। तुम्हारी बेईमान राजनीति से और उसे हम बदल देंगे। वेयर स्टोरीज गेट कनेक्टेड बाई ए रोड मिसअप, जिसके कहानी पॉलिटिकल थ्रिलर को स्क्रीन पर रखती है। युवा इज ए ग्रेट कमबैक फॉर मणिरत्नम एज ए हिंदू फिल्म डायरेक्टर आफ्टर द अनयूजुअल सक्सेसफुल दिल से। इस फिल्म के एक्टर अजय देवगन और अभिषेक बच्चन थे। ए, कल असेंबली में हमारे खिलाफ कोई क्वेश्चन उठाएगा तो तुम आएगा उत्तर देने। नंबर 8, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द फिल्म बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिसी एनालिस्ट संजय बारू, जिसके कहानी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और इनके कैबिनेट को दिखाती है। दिस फिल्म डिटेल्स शो हाउ मनमोहन सिंह टेल्स ए विक्टिम टू कांग्रेस पार्टी डायनेस्टिक अप्रोच। ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है। इस फिल्म के नरेशन ऑडियंस को समझने की दृष्टि से बनाई गई है। ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह मींस बिजनेस। नंबर 7, न्यूटन। न्यूटन इज सिंपली द मोस्ट रिलेवेंट फिल्म टू हैव कम आउट मेनी इयर्स।
फिल्म एक इलेक्शन कैंपेनियन पर वेस्ट है। वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए अच्छा लगे वो बटन दबा दो। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के काम करने के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव ने इस फिल्म में फेयर इलेक्शन की मुश्किलों को दिखाती है। इस फिल्म को सिनेमा लवर को जरूर देखनी चाहिए। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। नंबर 6, गंगाजल। गंगाजल इज एन इंटेंस पुलिस थ्रिलर ड्रामा फिल्म जो बिहार के पुलिस स्टेशन की कहानी को दिखाता है। दोगले यादव को छोड़ना नहीं बेटा, कुत्ता का मौत मारेंगे इसको तो। यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। प्रकाश झा ने सोसाइटी में हो रहे पॉलिटिकल ड्रामा को दिखाया है, जो करप्शन, इनएफिशिएंसी, ब्राइबरी, नेपोटिज्म जैसे चीजों को लोकल क्राइम में हेल्प करती है। आप इसे अजय देवगन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक कह सकते हैं। नंबर 5, आरक्षण। पिछले 60 साल से SC/ST और अब OBC आरक्षण। यह फिल्म शिक्षा में हुई राजनीति को दिखाती है। द डिसीजन बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट एडुकेशन सिस्टम। इसके स्टोरी एक कॉलेज के अराउंड बेस्ड है, जो इमोशंस एंड फील को दिखाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का नाम आरक्षण की जगह पॉलिटिक्स इन एडुकेशन होना चाहिए। तुम तबेले में जाकर खट रहे हो उस 2% के आदमी के साथ, निकाल दे जाओगे कॉलेज से तुम। आपको यह फिल्म कैसी लगी, लेट्स कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 4, गुलाल। 2009 में रिलीज हुई एक हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी, जो इंडियन सोसाइटी के करप्शन, रिवेंज क्राइम को दिखाती है। द फिल्म गुलाल डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप के कैरियर की यह फिल्म अंडररेटेड थी, जिसके सॉन्ग काफी अच्छे हैं और फिल्म के स्टोरी को एक्सप्लेन भी करती है। नंबर 3, सूल। सूल इज एन एक्सेलेंट क्राइम ड्रामा फिल्म अबाउट करप्शन एंड मुर्गी पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस फिल्म की कहानी एक ऑनेस्ट पुलिस की है, जिसमें ब्रूटल एंड लॉलेस सिस्टम को दिखाया गया है। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि नवाजुद्दीन को बेटर के रोल के लिए 2500 दिए गए। ऐसे आदमी से आप लोगों की फटती है तो कोई ना कोई तो होगा जिससे उसकी फटेगी, तो सलाह हम लोग क्यों नहीं हो सकते। सूल इज ए फिल्म डेट शुडंट बी मिस्ड द क्वालिटी। नंबर 2, न्यू दिल्ली टाइम्स। न्यू दिल्ली टाइम्स बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड पॉलिटिकल फिल्म में से एक है। फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी, जहां ऑडियंस को एक न्यूज एडिटर की कहानी देखने को मिलती है, कैसे इंडियन पॉलिटिशियन मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब तक त्रिवेदी जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, ना सिस्टम बदलेगा ना प्रोसीजर बदलेगा। कैसे यह एडिटर सच को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करता है। नंबर 1, पीपली लाइव। आपका बेटा नत्था आत्महत्या की कगार पे खड़ा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बीड़ी लव, बीड़ी। हाँ? बीड़ी, बीड़ी। 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव दो किसानों की कहानी को दिखाता है, ड्यूरिंग इलेक्शन मीडिया कैसे अपने TRP के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने लोन चुकाने के लिए किसान खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, टू बेनिफिट फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो मीडिया और पॉलिटिशियन के बीच खींचातानी दिखाता है। 1,00,000 रुपये। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि इनमें से 3 कौन सी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है।